हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माय चैनल आमना इशाल। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, अगर पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की हमारी जो रेसिपी है, चलते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम आपको बिल्कुल सिंपल सैंडविच बनाने की रेसिपी देंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इधर व्यूवर्स, हमने ले लिए हैं कुछ ब्रेड इस तरह से। हमने इन्हें हल्का सा तवे पर जो है वो गर्म कर लिया है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है केचप, टमाटो केचप। नेक्स्ट आलू बखारे की चटनी है हमारे पास। नेक्स्ट हमने ली है वाइट पेपर। बाकी चीज़ें हम आपको साथ की साथ हम बाकी चीज़ें आपको नोट ऑन करवाते जाएंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स, हमने ले लिया इस तरह से, हमारे पास है स्लाइसेस। तो हमने ले लिए हैं, ये देखिए व्यूवर्स, जो आलू के कटलेट्स होते हैं वो हमने इस तरह से डबल रोटी के ऊपर फैला दिए हैं। उसके बाद व्यूवर्स, हम टमाटर लेते हैं छोटे छोटे चॉप किए हुए, और टमाटरों को हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे पास कुछ टमाटर हैं जो हमने इस तरह से फैला दिए हैं। टमाटर फैलाने के बाद व्यूअर्स, हमारे पास थोड़ी सी ऑनियन है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऑनियन लें, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने हल्का हल्का टमाटर स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स, बिल्कुल 1 पिंच हमारे पास है सॉल्ट। हमने सॉल्ट को इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वाइट पेपर पाउडर है, ये हम हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्की हल्की। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है टमाटो केचप। टमाटो केचप हम बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से लगा देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जो है वो एक सैंडविच के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद व्यूवर्स, ये देखिए व्यूवर्स, हमारे पास है आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की रेसिपी जो है, जो मैंने अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप मेरी आलू बुखारे की चटनी ज़रूर देखिएगा। मैंने आलू बुखारे की बहुत टेस्टी चटनी बनाई है जिसमें बादाम, मगज़, पिस्ता वगैरह सब मैंने ऐड किया है, और बहुत टेस्टी चटनी बनी है। आप ज़रूर देखिएगा मेरी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी और बनाइएगा इसी तरह से। तो ये व्यूवर्स, हो गया हमारा कंप्लीट रेडी। उसके बाद व्यूवर्स, हमारे पास है थोड़ा गरम मसाला। हम इसके ऊपर वाइट पेपर हमने डाल दिया है, अब हम थोड़ा गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस स्लाइसेस को इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी डबल रोटी जो है वो आपस में छूटे नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डबल रोटी को सेंटर से इस तरह से 2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गई है, बिल्कुल नहीं अलग हो रही, बिल्कुल नहीं छूट रही। ठीक है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है बनके।
देखें, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत टेस्टी बना है, बहुत शानदार बना है, और साथ मैंने टमाटो केचप और आलू बुखारे की जो चटनी है वो रखी हुई है, जो हम सैंडविच के साथ यूज़ करेंगे। सैंडविच के साथ हम लेंगे ये चटनियाँ, बहुत मज़ेदार बनी हुई हैं। आप भी मेरी चटनी की जो रेसिपी है वो ज़रूर देखिएगा। और ये है हमारा सैंडविच, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा व्यूवर्स। देखें कितना खूबसूरत बना है आलू बुखारी की चटनी के साथ। ठीक है व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।